निर्वाचन तारीख घोषणा पर सबु राज्यर तुंग नेतांक प्रतिक्रिया कौन रही आसंतु शुणिबा। कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। सतर्कता और सावधानी से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। लोकतंत्र का उत्सव है जो 5 साल में आता है और हमारे उत्तराखंड की जनता बहुत जागरूक है। कोरोना को लेकर हमने पहले ही 15 तारीख तक सभी प्रकार के जो राजनीतिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, उन सभी को, रैलियों पर, सम्मेलनों पर, सभी पर पाबंदी लगाई है। अब चूंकि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और चुनाव आचार संहिता में चूंकि चुनाव आदेश के जो भी निर्देश होंगे, उन निर्देशों के क्रम में हम लोग काम करेंगे। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान के लिए, अच्छे मतदान के लिए, अच्छी सरकार चुनने के लिए उत्तराखंड की जनता आगे आएगी और अच्छी सरकार चुनेगी। इलेक्शन कमीशन इज डूइंग एवरीथिंग इज आफ्टर सीइंग द एनालिसिस द प्रिवेलिंग सिचुएशन ऑफ कोविड एंड दस वी हैव सीन इन द मेनी स्टेट ड्यू टू ओमिक्रॉन number of positivity is increasing. Because of that, they are giving deadline, say something up to 15 January to see the situation. And after that, I think automatically situation will also improve and modification will definitely comes. In, you know, democratic process, contacting people to people is very important. But more important is the public safety. जो सबके लिए है वो हमारे लिए भी ठीक है। तो एक स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट है, तो जैसे कोड ऑफ कंडक्ट की रूल हैं वैसे हम अडॉप्ट करेंगे। नहीं, हमारी बातें, हमारा काम लोगों के पास है, लोग उस काम पे डिसीजन लेंगे क्या करना है लोगों ने। तो अब कहने को कुछ और ज़्यादा नहीं है, अगर हमारा 111 दिन का काम सही है तो लोग सही कहेंगे, अगर नहीं सही है तो लेट देम चूज सम अनदर वन। आम आदमी पार्टी पूरी शिद्दत के साथ तैयारी कर रही थी चारों राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सब जगह हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। और आप मान के चलिए कि जो आपने 3 राज्यों की बात कही, तो 14 फरवरी तो आम आदमी पार्टी के लिए वैसे ही एक अच्छा दिन रहा है हमेशा राजनीतिक इतिहास में, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। ऑलरेडी मोदी जी डिड एवरीथिंग फॉर हिज पार्टी। Since one month he is touring and more than 10-15 times he visited UP. So there is nothing for the ruling party to do it. It is only for the parties which are financially weak. The people are also afraid to give fund. So such parties have got difficulty. But the ruling party is already comfortable. They, after touring only, they fixed the date. So everything is more or less in their favor.